हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस फिर चौहान। तो गाइस, यहाँ पे हम दृष्टि 2020 जो घटना चक्र की है उसे हम कर रहे हैं, जो कि है हमारी करंट अफेयर्स की बुक। और यहाँ पे हम 1 जून 2021 से लेकर 10 मई 2022 तक के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। आज हम करेंगे इसका पार्ट 5 यानी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करेंगे। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं इंडेक्स। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे जो है राष्ट्रीय परिदृश्य कर लिया है, विधिक परिदृश्य कर लिया है। इसके आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं गाइस जो कि यहाँ नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हम इस में मतलब इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध करेंगे हम। उसके बाद हम देखिए और कौन कौन से करने वाले, आर्थिक परिदृश्य है, वैज्ञानिक परिदृश्य है, देन उत्तर प्रदेश विशेष है, और उसके बाद है संक्षिप्तियाँ एंड खेल परिदृश्य। चलिए फिर क्या करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो हम पहला पार्ट है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है भारत जर्मनी। तो यहाँ पे लिखा है 2 से 4 मई 2022 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्रिदिवसीय मतलब 3 दिन की यूरोप यात्रा क्या हुई यहाँ पे संपन्न हुई। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 3 देशों यथा कौन कौन से, जर्मनी की बात, यूरोप की बात हो रही तो जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस, तीनों आपके यूरोप में है, तो इसका दौरा किया। और 2 से 3 मई 2022 के मध्य क्या है, प्रधानमंत्री जर्मनी की यात्रा पर रहे। और यहाँ लिखा है 2 मई को कहाँ, बर्लिन में भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया। कब, 2 मई को। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के जो चांसलर हैं, क्या नाम है उनका, ओलाफ शोल्ज, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ क्या है, इनके साथ IGC के पूर्ण सत्र की सह अध्यक्षता की उन्होंने। और उल्लेखनीय है कि ICG एक विशिष्ट द्विवर्षीय प्रारूप है जिसे भारत केवल जर्मनी के साथ क्या है, आयोजित करता है। तो ICG के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और जो आपके हैं चांसलर सोच के मध्य क्या है, हरित एवं सतत विकास साझेदारी की स्थापना के संयुक्त घोषणा पत्र IDI पर हस्ताक्षर किया गया। तो इस साझेदारी के तहत जर्मनी ने भारत की हरित विकास योजनाओं हेतु जो है वर्ष 2030 तक 10 बिलियन यूरो की नई एवं अतिरिक्त विकास सहायता की अग्रणी प्रतिबद्धता व्यक्त की। तो दोनों देशों द्वारा हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के सृजन का निर्णय भी लिया गया। अब दोनों देशों के मध्य तीसरे देश में त्रिपक्षीय विकास सहयोग परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर एक संयुक्त घोषणा पत्र भी हस्ताक्षरित हुआ, ठीक है। उल्लेखनीय है कि 2021 में भारत और जर्मनी के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना को जो है आपका 70 वर्ष जो है पूरे हो चुके थे। तो दोनों ही देशों के वर्ष 2000 से राजनीतिक साझेदारी है। 1 जनवरी 2022 को जर्मनी ने G7 की अध्यक्षता ग्रहण की है, ठीक है। फिर लिखा है वर्ष 2022 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर, स्लॉस एलमाउ बेवेरियन एल्प्स जर्मनी में प्रस्तावित है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है भारत एंड डेनमार्क, भारत डेनमार्क, ठीक है। तो 3 से 4 मई 2022 के मध्य डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोपेनहेगन डेनमार्क की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। तो प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क की पहली यात्रा की थी। ये वह उल्लेखनीय है कि डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं उनके प्रधानमंत्री के रूप में सुश्री फ्रेडरिक्सन ने 9 से 11 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा की थी, मतलब 2021 में ही कर चुकी थी। तो लिखा है कि यात्रा के दौरान इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया जो भारत में हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण में योगदान देगा। फिर लिखा है ज्ञातव्य है कि वर्ष 2020 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य आयोजित वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हरित रणनीतिक साझेदारी की स्थापना हुई है। तो 3 मई 2022 को डेनमार्क की जो महारानी है इनका नाम है मार्गरेट द्वितीय ने कोपेनहेगन स्थित ऐतिहासिक अमालियनबोर्ग पैलेस में भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क के राज सिंहासन पर महारानी के आरोहण की स्वर्ण जयंती पर उन्हें शुभकामनाएं दी। तो 4 मई 2022 को कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वितीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया। तो इस शिखर सम्मेलन में डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री उनके अतिरिक्त आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्स डॉटर और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टो, फिर स्वीडन की प्रधानमंत्री मैकडेलिना एंडरसन
और फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन ने भी भाग लिया। तो ये सारे आपको आसपास के सारे देश हैं गाइस। तो इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री है उन्होंने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो यानी ज्ञातव्य है कि प्रथम भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन वर्ष 2018 में कहाँ पे स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डेनमार्क यात्रा के दौरान नौ समझौते जो है हस्ताक्षरित या फिर घोषित किए गए, जिसमें कौन कौन से प्रमुख हैं इसकी बात करते हैं। तो एक हो गया आपका प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी पर आशय घोषणा, फिर दूसरा है हरित पोत परिवहन में उत्कृष्टता केंद्र पर आशय पत्र, फिर तीसरा है आपका वर्ष 2022 से 23 की अवधि हेतु सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम हो गया, फिर है फोर्थ वाला है मंत्री स्तरीय ऊर्जा नीति संवाद को लॉन्च किया गया, फिफ्थ है भारत ICARS यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस सॉल्यूशन में मिशन भागीदारी के रूप में शामिल होगा, फिर लास्ट है आपका सिक्स्थ जो है यहाँ लिखा है स्टार्टअप सहयोग को सुगम बनाने हेतु इन वेस्ट इंडिया एंड डेनमार्क तकनीकी विश्वविद्यालय के मध्य आशय पत्र। फिर पहुँचे प्रधानमंत्री फ्रांस में। तो भारत फ्रांस की बात कर लेते हैं। तो 4 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संक्षिप्त कार्य यात्रा पर पेरिस फ्रांस का दौरा किया। तो पेरिस में मोदी जी एवं फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं क्या नाम है उनका इमैनुअल मैक्रो के मध्य प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता संपन्न हुई। तो उल्लेखनीय है कि भारत और फ्रांस वर्ष 1998 से ही जो है रणनीतिक भागीदार हैं। तो पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया, जबकि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के अगले संस्करण में फ्रांस जो है गेस्ट ऑफ ऑनर देश होगा। फिर हम बात करेंगे भारत और मॉरिशस की। तो इसमें लिखा है 17 से 24 अप्रैल 2022 के मध्य मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री है क्या नाम है इनका प्रविंद कुमार जगन्नाथ की आधिकारिक भारत यात्रा संपन्न हुई, मतलब वो भारत आए। तो 19 अप्रैल 2022 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री और WHO के महानिदेशक क्या नाम है टेड्रोस घेब्रेयेसस की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ने जामनगर गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी। अब इसको शॉर्ट में क्या बोला GCTM। ठीक है, तो GCTM विश्वभर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक पहला और एकमात्र वैश्विक आउटपोस्ट केंद्र होगा। फिर यह केंद्र आयुष मंत्रालय के अधीन स्थापित किया जाएगा और यह केंद्र भारत सरकार द्वारा लगभग $250 मिलियन के निवेश में समर्थित होगा। तो इसके अतिरिक्त क्या है मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रथम वैश्विक आयुष निवेश एवं नवोमेश शिखर सम्मेलन 2022 के उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहे। फिर इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में संपन्न हुआ। लिखा है यह शिखर सम्मेलन SDG3 यानी कि अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने के अनुसरण में आयोजित हुआ। तो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, 3। फिर लिखा है गुजरात एवं नई दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने के अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने वाराणसी का भी दौरा किया। फिर लिखा है भारत UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं। तो 21 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। तो UK के प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी क्या है पहली भारत यात्रा थी। उल्लेखनीय कि यह यात्रा ऐसे समय पर आयोजित हुई जब दोनों देश जो है द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना की 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। फिर इसमें लिखा है नई दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने से पूर्व श्री जॉनसन ने 21 अप्रैल 2022 को गुजरात से ही अपनी यात्रा क्या करी प्रारंभ करी। उन्होंने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम, मसवड इंडस्ट्रियल एस्टेट, वडोदरा स्थित JCB प्लांट, GIFT सिटी गांधीनगर स्थित गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दौरा किया। फिर दोनों देशों द्वारा एक संयुक्त वक्तव्य यानी कि जॉइंट स्टेटमेंट के अतिरिक्त साइबर सहयोग पर एक पृथक वक्तव्य यानी कि स्टेटमेंट भी जारी किया गया। तो यात्रा के दौरान निम्न दो G2G MOU हस्ताक्षरित किए गए। पहला भारत UK वैश्विक नवाचार भागीदारी के कार्यान्वयन पर MOU। तो वैश्विक नवाचार भागीदारी के माध्यम से भारत एवं यूनाइटेड किंगडम ने तीसरे देश को जलवायु स्मार्ट टिकाऊ नवाचारों के हस्ताक्षरण एवं समर्थन देने के लिए
75 मिलियन पाउंड तक सह वित्त पर सहमति व्यक्त की। दूसरा यहाँ पे ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप पर सहयोग पर क्या है MOU। तो यात्रा के दौरान निम्न प्रमुख गैर सरकारी MOU हस्ताक्षरित हुए। पहला, बर्मिंघम सिटी विश्वविद्यालय में अल्पकालीन चेयर की स्थापना हेतु भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद एवं बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के मध्य MOU। दूसरा यहाँ पे अपतटीय पवन विकास के क्षेत्र में सहयोग हेतु संयुक्त घोषणा पत्र। तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शेवनिंग अडानी छात्रवृत्ति के सृजन पर समझौता ज्ञापन। देन फोर्थ आपका है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और वन वेब के बीच उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रम पर समझौता ज्ञापन। देन आपका है रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को बढ़ावे के लिए यूके भारत हेतु OGEL ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी करेगा। फिर इसमें लिखा है, उल्लेखनीय है कि मई 2021 में भारत यूके वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो उस वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने पर सहमत हुए थे। OGEL भारत की रक्षा खरीद हेतु नौकरशाही हस्तक्षेप आपूर्ति में लगने वाले समय में कटौती करेगा। ये भारत प्रशांत में प्रथम ब्रिटिश OGEL होगा। भारत एवं यूके वहनीय हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए वर्चुअल हाइड्रोजन साइंस एवं इनोवेशन हब लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट आपका है भारत नीदरलैंड। तो नीदरलैंड के राजा कौन है, विलिम अलेक्जेंडर और रानी कौन मैक्सिमा के निमंत्रण पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 से 7 अप्रैल 2022 के मध्य नीदरलैंड की राजकीय यात्रा संपन्न की। तो पिछले 34 वर्षों में ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की नीदरलैंड की पहली यात्रा थी। ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व 1988 में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने नीदरलैंड की यात्रा की थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 के दौरान भारत नीदरलैंड अपने राजनयिक संबंध की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने एम्स्टर्डम स्थित केकेन होप ट्यूपल गार्डन में पीले ट्यूपल की एक नई प्रजाति को मैत्री नाम दिया। क्या नाम दिया, मैत्री। अब बात करेंगे हम भारत तुर्कमेनिस्तान की। तो तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सेरदार गुरबांगुल येविच बेद्री मुहामेदो के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तुर्कमेनिस्तान की राजकीय यात्रा संपन्न की। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान की पहली यात्रा है। तो यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत तुर्कमेनिस्तान स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। तो राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान यात्रा के दौरान 4 समझौते ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए गए। तो पहला क्या है, तुर्कमेनिस्तान के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्रालय की वित्तीय निगरानी सेवा एवं भारत की वित्तीय खुफिया इकाई के बीच MOU। दूसरा है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर MOU। तीसरा है आपका 2022 से 2025 की अवधि के लिए संस्कृति और कला के क्षेत्र में सहयोग का कार्यक्रम। चौथा है युवा मामले में सहयोग पर MOU। तो नेक्स्ट यहाँ पे है भारत नेपाल की बात करते हैं। तो 1 से 3 अप्रैल 2022 के मध्य नेपाल के जो प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देउबा भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। तो जुलाई 2021 में पदभार ग्रहण करने के पश्चात नेपाल के प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा थी। तो इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से 90 किलोमीटर लंबी 132 केवी की डबल सर्किट सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन तथा सब स्टेशन का उद्घाटन किया। तो इसका निर्माण भारत द्वारा प्रदत्त ऋण के तहत किया गया है। तो दोनों देशों के मध्य पहले ब्रांड गेज पैसेंजर रेल लिंक का भी उद्घाटन किया गया। तो यह रेल लिंक कहाँ पे, जयनगर मधुबनी बिहार को कुर्था नेपाल से जोड़ता है। 34.90 किलोमीटर लंबा जयनगर कुर्था रेलखंड जयनगर बिजलपुरा बर्दीवास रेल परियोजना कितने किलोमीटर की है, 68.72 किलोमीटर का एक हिस्सा है।
जो पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो इस यात्रा के दौरान नेपाल ने रुपे कार्ड को भी लॉन्च किया। तो 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने के माध्यम से नेपाल ISA ठीक है, ISA का 105वां सदस्य बन गया। 3 अप्रैल 2022 को नेपाल के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने वाराणसी का दौरा किया। नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया। तो 21 मार्च 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य द्वितीय क्या है, वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रतिभाग किया। तो उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के मध्य यह मतलब मध्य प्रथम वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 4 जून 2020 को आयोजित हुआ था। तो इसमें दोनों देशों के मध्य क्या है, व्यापक रणनीतिक भागीदारी स्थापित हुई थी। तो इस शिखर सम्मेलन के उपरांत क्या होता है कि 2 अप्रैल 2022 को एक आभासी समारोह में भारत ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया। तो ये आपका हो गया ECTA। तो ECTA पिछले एक दशक से अधिक की अवधि में किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है। अब हम आ जाते हैं भारत और जापान पे। तो गाइस यहाँ लिखा है कि 19 से 20 मार्च 2022 के मध्य जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है उनकी इस यात्रा के दौरान 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि पिछला भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कब हुआ था, अक्टूबर 2018 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, टोक्यो में हुआ था। तो इसमें लिखा है कि शिखर सम्मेलन भारत और जापान के मध्य राजनयिक संबंध की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ। तो इस शिखर सम्मेलन के दौरान जापान ने अगले 5 वर्षों के दौरान भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी कि अगर हम बात करें तो $42 बिलियन का निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दोनों देशों के मध्य नवंबर 2019 में नई दिल्ली में विदेश एवं रक्षा मंत्री स्तरीय प्रथम 2+2 बैठक के आयोजन का स्वागत किया गया। तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का स्वागत किया गया, यानी कि आपका हो गया IPOI। तो IPOI के कनेक्टिविटी स्तंभ में एक प्रमुख भागीदार है, कौन है, जापान है, ठीक है। इसमें लिखा है कि 19 मार्च 2022 को दोनों देशों द्वारा भारत जापान क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की घोषणा की गई, यानी कि CEP की। तो इस साझेदारी के तहत सहयोग के निम्न क्षेत्र शामिल हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी समेत भंडारण प्रणाली, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक हो गया, दूसरा इमारतों एवं उद्योगों में ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा कुशल उपकरण, तीसरा हो गया आपका सौर PV सेल समेत सौर ऊर्जा का विकास, 14 पवन ऊर्जा हो गई, पाँचवा स्वच्छ हरित हाइड्रोजन समेत स्वच्छ हरित अमोनिया समेत, फिर है LNG का अधिक एवं स्वच्छ उपयोग, कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण, कार्बन पुनर्चक्रण, ये सारा हो गया। फिर लिखा है जैव ईंधन समेत नए प्रकार के ईंधन CBG, फिर है सामरिक पेट्रोलियम भंडार आदि, ठीक है, नहीं उसके बाद है स्वच्छ कोयला तकनीक, ये सारे भी हैं। अब इसमें लिखा है कि जो 13 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकेंद्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी। अब हम बात करेंगे गाइस भारत और ऑस्ट्रेलिया की। तो 11 सितंबर 2021 को प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, कहा नई दिल्ली में, रक्षा विदेश मंत्री स्तरीय इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और एस जयशंकर यानी कि जो विदेश मंत्री हैं, और ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व मॉरिस पाई ने जो कि वहां के विदेश मंत्री हैं, और पीटर ड्यूटन जो कि वहां के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने किया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तन होने पर होने के परिणाम स्वरूप ये वार्ता आयोजित हुई। उल्लेखनीय है कि 4 जून 2020 को आयोजित प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल लीडर्स समिट के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति बनी। तो इसमें दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के मध्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रणनीतिक मुद्दे पर चर्चा हेतु 2+2 वार्ता
आयोजित करने का प्रावधान शामिल था। उल्लेखनीय है कि भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करने वाला ऑस्ट्रेलिया क्या है, तीसरा देश बन गया। तो ऐसे दो अन्य देश, पहला एक हो गया आपका अमेरिका, दूसरा जापान और तीसरा बन गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो उल्लेखनीय है कि भारत एवं रूस के मध्य 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के आयोजन पर सहमति बनी, अभी तो हुई नहीं है लेकिन सहमति बन गई। तो द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता क्या वर्ष जो है आपका 2023 में आयोजित होगी। अब बात करेंगे भारत और डेनमार्क की, कहाँ गए डेनमार्क, यूरोप में। तो लिखा है 9 सितंबर 2021 को भारत डेनमार्क के ने जो है हरित रणनीतिक साझेदारी के अंक के रूप में नई दिल्ली में अपतटीय पवन एंड नवीकरणीय ऊर्जा हेतु एक संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया, मतलब जॉइंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑफशोर विंड एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, अब लिखा उल्लेखनीय है कि भारत और डेनमार्क के मध्य हरित रणनीतिक साझेदारी को सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। इस केंद्र का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का समर्थन करना है। उल्लेखनीय है कि ये केंद्र एक प्रकार का ज्ञान हब यानी कि नॉलेज हब है। यह केंद्र प्रारंभ में जिन चार कार्य समूहों के आसपास केंद्रित होगा वे निम्नवत हैं, कौन कौन से हो गए गाइस, स्थानिक योजना, दूसरा हो गया वित्तीय ढांचे की शर्तें, तीसरा आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना, चौथा हो गया मानक और परीक्षण, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड टेस्टिंग। अब बात करते हैं भारत और अमेरिका की। तो यहाँ लिखा है 9 सितंबर 2021 को नवीकृत भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी यानी स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया, यानी कि SCEP को। ठीक है, तो SCEP भारत अमेरिका जलवायु एंड स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी यानी कि US इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के अनुसरण में नए रूप से लॉन्च किया गया। अब यहाँ लिखा है उल्लेखनीय है कि 22-23 अप्रैल 2021 को अमेरिका द्वारा आयोजित लीडर समिट ऑन क्लाइमेट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी की घोषणा की। फिर यहाँ पे SCEP के तहत सहयोग के 5 स्तंभ पर अंतर सरकारी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। कौन कौन से स्तंभ है, आपका पहला हो गया विद्युत एवं ऊर्जा दक्षता, दूसरा हो गया उत्तरदायी तेल और गैस, फिर तीसरा है नवीकरणीय ऊर्जा, चौथा है सतत वृद्धि, पाँचवा है उभरते ईंधन। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति कौन डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी यानी कि SEP स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप की स्थापना की गई थी, जिसे SCEP के रूप में नवीकृत किया गया। तो SEP के तहत भारत अमेरिका के सहयोग के 4 स्तंभ पर सहमत हुए थे, जबकि SCEP में उभरते ईंधन नामक एक नए स्तंभ को जोड़ा गया। तो इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा ईंधन को बढ़ावा देना है। फिर दोनों देशों ने भारत अमेरिका गैस टास्क फोर्स का पुनर्नामकरण भारत अमेरिका निम्न उत्सर्जन गैस टास्क फोर्स यानी कि इंडिया US लो एमिशन गैस टास्क फोर्स के रूप में करने की घोषणा की। तो इस अवसर पर जैव ईंधनों पर एक नए भारत अमेरिका कार्यबल इंडिया US टास्क फोर्स ऑन बायोफ्यूल के गठन की भी घोषणा की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यह लिखा है उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने अपने शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक 50-52% कटौती का लक्ष्य निर्धारित किया। किसने, अमेरिका ने। तो भारत ने भी वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। कितना, 450 गीगावाट, कब तक, 2030 तक। तो जलवायु कार्यवाही एवं वित्त गतिशीलता संवाद यानी कि CAFMD तो 13 सितंबर 2021 को भारत अमेरिका ने जलवायु कार्यवाही वित्तीय गतिशीलता संवाद को लॉन्च किया। उल्लेखनीय है कि क्या है, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग यानी कि CAFMD। तो इसने कहा उल्लेखनीय है कि CAFMD भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी के 2 ट्रैक में से एक है। भारत इसका दूसरा ट्रैक भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी यानी ये SCEP है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत और मालदीव की। तो गाइस मालदीव कहाँ मिलेगा आपको, हिंद महासागर में। तो यहाँ पे सॉरी मालदीव आपको मिलेगा हिंद महासागर में,
तो गाइस यहाँ लिखा है कि 25 मई 2021 को भारत द्वारा अड्डू शहर मालदीव में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास को खोलने की मंजूरी प्रदान की गई। तो 2 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं मालदीव के मध्य सतत शहरी विकास सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग पर MOU को मंजूरी प्रदान की। ज्ञातव्य है कि इस MOU पर फरवरी 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो गाइस हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अब हम पार्ट बी करेंगे, वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। ओके, तो इसमें देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष एक फ्रांसीसी NGO, क्या नाम है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, तो द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। इस सूचकांक के संस्करण के संकल्प हेतु RSF द्वारा एक नई प्रविधि विकसित की गई है। प्रेस स्वतंत्रता की जटिलता को दर्शाने के लिए सूचकांक के संकलन में 5 नए संकेतकों का प्रयोग किया गया है। ये नए संकेतक कौन कौन से हैं? पहला है राजनीतिक संदर्भ, दूसरा है विधिक फ्रेमवर्क, तीसरा है आर्थिक संदर्भ, चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और पांचवा है सुरक्षा। तो स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। तो 3 मई 2022 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया। ये सूचकांक 20वां, इसका जो है 20वां संस्करण है। ओके, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान नॉर्डिक देशों को मिला है। तो फर्स्ट नंबर पे है नॉर्वे, सेकंड नंबर पे है डेनमार्क, तीसरे नंबर पे है स्वीडन। तो प्रेस स्वतंत्रता के संदर्भ में सबसे खराब स्थिति किसकी है? उत्तर कोरिया की है, ठीक है। तो सूचकांक में कौन से नंबर पे है? 180वें नंबर पे है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में अगर हम भारत की बात करें तो 180 में से कितने पे है? 150 पे है। स्कोर मिला है 41। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2021 में भारत 180 देशों की सूची में किस पे था? 142वें था। अभी हम पहुँच गए 150 पे। लिखा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। तो यहाँ ब्रिक्स देशों की स्थिति इसने दिखा रखी है। तो 110वें स्थान पे आपका है ब्राज़ील, देखिए 35 पे है साउथ अफ्रीका, राइट, 110 पे है आपका ब्राज़ील, 150 पे है भारत, 155 पे है रशिया एंड 175 पे है चीन, सबसे लास्ट में चीन। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 विभिन्न संकेतकों पर भारत की स्थिति भी देख लेते हैं। तो राजनीतिक अगर देखिए कितने देश हैं, 180, ठीक है। तो राजनीतिक पे देखें तो हमारा 145 पे होंगे हम आउट ऑफ 180, राइट। और हम आर्थिक पे देखें तो 149 है, विधिक पे देखें तो 120, सामाजिक सांस्कृतिक 127 एंड सुरक्षा पे देखें तो 162 है, मतलब खराब ही स्थिति कह सकते हैं आप बिल्कुल ही। अब लिखा है विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियाँ 2021। तो 25 अप्रैल 2022 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियाँ 2021 नामक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कुल वैश्विक सैन्य व्यय वर्ष 2020 की तुलना में 0.7% बढ़ाकर जो आपका है $2,113 बिलियन तक पहुँच गया है, ठीक है। स्मरणीय तथ्य की बात करें तो वर्ष 2021 में विश्व सैन्य व्यय पहली बार $2 ट्रिलियन के स्तर को पार कर गया है। 2021 में विश्व सैन्य व्यय में वर्ष 2020 की तुलना में 0.7% तथा 2012 की तुलना में 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2021 में कुल सैन्य व्यय वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का 2.2% था। तो इसमें सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 5 देशों की अगर हम बात करें तो अमेरिका हो गया, सेकंड चीन, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम और रशिया हो गया। तो ये 5 देश ही जो है वर्ष 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय का 62% हिस्से के लिए उत्तरदायी, तो 62% के लिए। सर्वाधिक सैन्य व्यय वाले शीर्ष 5 देशों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2021
की रैंक लिखी है, यहाँ 2020 की रैंक लिखी है, यहाँ लिखा है देश, और कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर इनने खर्च किया है, तो इनका जो है आपका विश्व में जो है कितना प्रतिशत है, ठीक है, विश्व सैन्य व्यय में हिस्सा देखिए। तो यहाँ पे लिखा है दो, ये वाला देखिए गाइस, हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ है 2020, ये है 2021 की बात। तो 2020 में फर्स्ट नंबर पर अमेरिका था, सेकेंड नंबर पर चीन था, थर्ड नंबर पर इंडिया था। 2021 की अगर हम बात करें तो गाइस फर्स्ट नंबर पर अमेरिका, सेकेंड चीन और थर्ड पर इंडिया, और 2020 में फोर्थ नंबर इसमें कुछ नहीं लिखा, फिफ्थ नंबर पर रशिया, सिक्स नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, और इसमें फोर्थ नंबर 2021 में फोर्थ नंबर पे यूके है, फिफ्थ नंबर पे है आपका रशिया, और कितने डॉलर कर रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं, हालांकि इसकी रटने की जरूरत नहीं है, आपको ये रैंक याद होनी चाहिए। अब इसमें लिखा है रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2021 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश है, ठीक है, तो अमेरिका और चीन के बाद भारत का नंबर आता है, ठीक है। तो 2020 की तुलना में 2021 में भारत द्वारा सैन्य व्यय में लगभग जो है 0.9% की वृद्धि हुई है। 2001 में भारत का कुल सैन्य व्यय कितना है आपका 76.6 बिलियन डॉलर, जो कि विश्व का जो कुल सैन्य व्यय है उसका कितना है 3.6% है। तो 2021 में क्या हुआ कि भारत का जो सैन्य व्यय है उसकी जीडीपी का कितना है 2.7% है। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2022। तो हैनले पासपोर्ट सूचकांक की शुरुआत कब हुई थी, 2006 में हुई थी। ये सूचकांक जो है विश्व के देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग इस आधार पर निर्धारित करता है कि उस पासपोर्ट पर कितने गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन की यात्रा बिना वीजा के या बिना किसी पूर्व वीजा के हो सकते हैं, मतलब बिना वीजा लिए आप कितने देशों तक या कितनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। एंड इसमें क्या हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी है रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा यानी कि IATA द्वारा जारी आंकड़ों पर आधारित है। अब लिखा है ये सूचकांक हैनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट का हिस्सा है, ठीक है, जिसे हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया गया है। ये सूचकांक तिमाही आधार पर जारी किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है स्मरणीय तथ्य, तो अप्रैल 2022 में एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण कंपनी हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q2 सेकेंड क्वार्टर की बात हो रही है तो जारी किया गया। तो इस सूचकांक में जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से पहले स्थान पे हैं। तो जापान सिंगापुर का जो अगर हम पासपोर्ट लेते हैं, पासपोर्ट धारक जो भी होगा वो बिना किसी वीज़ा के जो 192 डेस्टिनेशन तक यात्रा कर सकता है, मतलब 192 डेस्टिनेशन तक यात्रा कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है जापान, कितनी डेस्टिनेशन तक यात्रा कर सकता है 192। फिर फर्स्ट नंबर पे है सिंगापुर, इसका भी 192। जर्मनी सेकंड नंबर पे है 190 डेस्टिनेशन तक, और फिर साउथ कोरिया की बात करें उसका भी 190 है, फिर फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग एंड स्पेन थर्ड नंबर पे है 189 है, ऑलमोस्ट सब आसपास है। अब ब्रिक्स देशों की बात करते हैं गाइस, तो हम देखिए 20वें नंबर पे है ब्राज़ील, ये कितने देशों की यात्रा यहाँ से की जा सकती है बिना वीज़ा के 169 169, राइट। फिर दूसरे नंबर पे हैं इन सब में दूसरे नंबर पे आपका है रशिया, जो 117 देशों की यात्रा कर सकता है डेस्टिनेशन कहें तो। और फिर थर्ड नंबर पे है दक्षिण अफ्रीका, 104 देश। फिर फोर्थ नंबर पे हमने देखा चाइना, जो कि है 79 देशों तक। और फिर आपका जो फिफ्थ नंबर पे इसमें है हमारा 84th रैंक है हमारी, ठीक है। तो भारत 60 देशों या तक की यात्रा कर सकता है या डेस्टिनेशंस की। तो भारत को वर्ष 2022 के सूचकांक Q2 में जो है 84th वा स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय पासपोर्ट धारक बिना किसी पूर्व वीजा के विश्व के 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं, मतलब वो 60 देश कौन कौन से हैं ये आप गूगल कर सकते हैं और बिना वीज़ा के आप घूम सकते हैं। अब विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 की बात करें तो 2012 में पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है जारी की गई थी। तो ये जो रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN का एक प्रकाशन है, ठीक है। तो इसमें है गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा प्रदत्त डेटा का उपयोग किया जाता है। तो किसके गैलप वर्ल्ड पोल का के डेटा का उपयोग किया जाता है। इसमें लिखा है 18 मार्च 2022 को यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के तैयार करने में जो है गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा प्रदत्त डेटा का उपयोग किया गया। तो 2022 में कौन सा संस्करण है 10वां। तो गाइस
इसमें जो है रिपोर्ट जिन 6 कारकों पर आधारित है उसकी बात करते हैं। तो पहला है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP पर कैपिटल, फिर दूसरा है आपका सोशल सपोर्ट, तीसरा है आपका स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, फिर आपका चौथा है आपका जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, पाँचवा है उदारता, ठीक है, और छठा है भ्रष्टाचार बोध। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स हैं। अब लिखा है इस रिपोर्ट में कुल 146 देशों को शामिल किया गया। तो WHR 2022 में क्या है रैंकिंग हेतु वर्ष 2019 से वर्ष 2021 तक के अर्थात 3 वर्ष के गैलप वर्ल्ड पोल के डाटा का उपयोग किया गया है। ठीक है, अब स्कोर भी देख लेते हैं देश भी। फर्स्ट नंबर पे देखिए हैप्पीनेस में कौन सा देश आता है, फिनलैंड आता है। सेकंड नंबर पे है डेनमार्क, थर्ड पे है आइसलैंड, देन स्विट्जरलैंड है, देन यहाँ पे नीदरलैंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब लिखा है सबसे कम खुशहाल देशों की बात करते हैं, तो सबसे लास्ट में आता है अफगानिस्तान। आपने देखा तालिबान के हिसाब से शायद यही हो सकता है कारण सबसे बड़ा। फिर है लेबनान है, जिम्बाब्वे आपको अफ्रीका में मिलेगा, रवांडा अफ्रीका में, बोस्वाना, ठीक है, ये सारे हो गए। अब लिखा है WHR 2022 में भारत का अगर स्थान देखें तो गाइस 136 है। ठीक है, और टोटल देखिए टोटल कितने देशों में हमारा 136 है, 146 देशों में, मतलब हालत हमारी भी ख़राब है। ठीक है, अब लिखा है उल्लेखनीय है कि WHR 2021 में भारत का 139वां स्कोर मतलब स्थान है। ठीक है, तब की बात बोली इसने 2021 में, ठीक है, और 2022 में 136, थोड़ा सही हुआ है, 3 पॉइंट हम अच्छा प्रदर्शन हुआ। फिर WHR 2022 में लगातार 5वीं बार जो है फिनलैंड सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है। चलिए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्ताक्षरण प्रवृत्तियाँ 2021। 14 मार्च 2022 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्ताक्षरण प्रवृत्तियाँ 2021 नामक रिपोर्ट जो है आपकी प्रकाशित की गई। तो 2017 से 21 में प्रमुख शस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय हस्ताक्षरण की मात्रा हस्तांतरण की मात्रा वर्ष 2012 से 16 की तुलना में 4.6% की कमी आती है और 2007 से 11 की तुलना में 3.9% की वृद्धि हुई है। अब आइए कुछ तथ्यों को देख लें। तो इसमें लिखा है 2017 से 21 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देशों की अगर हम बात करें, निर्यात मतलब जो दूसरे देशों को बेचते हैं, तो 5 हैं अमेरिका, फिर रशिया पहुँची है, फिर फ्रांस पहुँची है, फिर चाइना पहुँची है, फिर जर्मनी। ठीक है, फिर लिखा है संयुक्त रूप से ये 5 देश वर्ष 2017 से 21 में प्रमुख शस्त्रों के निर्यात में कुल कितना प्रतिशत रखते थे, 77%। फिर 2017 से 21 में क्या विश्व में शस्त्रों के सबसे बड़े निर्यातक जो है अमेरिका का शस्त्र निर्यात सकल विश्व का कितने परसेंट था, 39% जो है अकेला अमेरिका कर रहा था। ठीक है, और अगर हम बात करें जो 17 से 18 का जो टाइम है, 17 से 21 का टाइम है, उसमें आयातक देश के जो सबसे बड़े 5 आयातक देश हैं उसमें सबसे नंबर भारत सऊदी अरब होगा गाइस, एंड देन मिस्र है, ऑस्ट्रेलिया है, एंड चीन है। ठीक है, तो ये क्या है, सऊदी अरब। अब इसमें कुल आयात का जो है जो विश्व में पूरा आयात हो रहा है उसमें ये 5 देश जो है 38% आयात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा आयातक इन 5ों में भी कौन है, भारत है। ठीक है, तो रूस जो है वर्ष 2017 से 21 में भारत का सबसे बड़ा जो है हथियार आपूर्ति करता है, मतलब आप 17 से 21 तक की जब हम बात करते हैं तो हमने जो सबसे ज़्यादा हथियार लिए हैं कहाँ से लिए हैं, रशिया से लिए हैं। तो भारत के कुल शस्त्र आयात में रूस की हिस्सेदारी कितनी है, अगर हम 100% आयात कर रहे हैं तो उसमें 46% जो है हम सिर्फ कहाँ से ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं। तो वर्ष 2017 से 21 के दौरान भारत के हथियार आपूर्ति करने वाले देशों में फ्रांस दूसरे नंबर पे है और अमेरिका जो है हमारा तीसरे नंबर पे है। तो ठीक है, निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 0.2% है, और भारत विश्व में हथियार का जो है आपका 23वां सबसे बड़ा निर्यातक है, मतलब रैंक में देखा जाए तो हम निर्यात करने में 23वें स्थान पर हैं। हम बात करते हैं 2012 से 16 की तुलना में 2017 से 21 में भारत द्वारा शस्त्रों के निर्यात में जो है 119% की वृद्धि हुई, मतलब इतना ज़्यादा हमने निर्यात किया है।
अब भारत किन किन देशों को, मतलब देखिए भारत से हथियार प्राप्त करता है, मतलब भारत किन किन देशों को निर्यात करता है, चुन्नपूर्ण देशों को ही करता है। देखिए म्यांमार हो गया आपका, श्रीलंका हो गया, आर्मेनिया हो गया, यहाँ ज़्यादा निर्यात करता है, 50%, 25%, 11%। ठीक है, अब बात करेंगे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022। तो इसमें लिखा है मार्च 2022 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022 जारी किया गया। तो प्रति वर्ष जारी किए जाने वाले सूचकांक का कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है। चलिए कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो इस सूचकांक, यह सूचकांक विश्व के 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन विश्लेषण करता है। तो रिपोर्ट के अनुसार 2021 में आतंकवाद से मरने वाले की संख्या कितनी हो गई आपकी? 7,142 है। तो उपरोक्त आंकड़े वर्ष 2020 की तुलना में 1.1% की गिरावट को दर्शाता है, मतलब इतने परसेंट कम है 2021 में, 2020 की तुलना में 1.1% कम ही है। तो रिपोर्ट के अनुसार इसमें लिखा है इस्लामिक स्टेट वर्ष 2021 में विश्व का सबसे बड़ा घातक आतंकी समूह है। ठीक है, कब की बात हो रही है? 2021 की। तो नवीनतम सूचकांक में लगातार तीसरे वर्ष अफगानिस्तान सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देश रहा। सूचकांक में भूटान हो गया आपका, सिंगापुर हो गया, संयुक्त अरब यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात हो गया, बेलारूस हो गया समेत कुल 71 देशों को 0 स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देश की श्रेणी में रखा गया। मतलब कुछ आतंकवाद नहीं है यहाँ पे, ख़त्म, बिल्कुल जीरो है। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों की अगर हम बात करें, प्रभावित देश, तो फर्स्ट नंबर पे है अफगानिस्तान, सेकंड नंबर पे है इराक, थर्ड नंबर पे है सोमालिया, फोर्थ नंबर पे है बुर्किना फासो, फिफ्थ नंबर पे है सीरिया, सिक्स नंबर पे नाइजीरिया, सेवन नंबर पे है माली एंड एट नंबर पे है नाइजर, देन नाइन्थ नंबर पे म्यांमार एंड टेंथ नंबर पे है पाकिस्तान। ठीक है, अफ्रीका में थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हैं, और भी बहुत है। उसके बाद लिखा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की अगर हम बात करें तो भारत का स्थान कौन सा है? 12वें स्थान पे भारत, स्कोर है 7.432। अब हम बात करेंगे मेडागास्कर की। तो गाइस मेडागास्कर आपको कहाँ मिलेगा? आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप पे, ठीक है, वहीं पे एक द्वीप मिलेगा आपको मेडागास्कर। यहाँ पे लिखा है CDRI का नया सदस्य बना। ठीक है, इसमें लिखा है आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन। ठीक है, तो यानी कि CDRI राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों व कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्रों एवं शैक्षणिक संस्थानों आदि की एक साझेदारी है। तो 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर वार्ता 2019 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस गठबंधन की शुरुआत की घोषणा की। CDRI का सचिवालय कहाँ पे आपका? नई दिल्ली में है। अब कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो 2022 में मेडागास्कर जो है CDRI का नया सदस्य बना। इस प्रकार अब इसमें टोटल सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 30 हो गई है। तो 30 देशों के अतिरिक्त 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसके सदस्य हैं। कौन कौन से 7 संगठन हैं उसकी बात कर देते हैं। तो ADB हो गया, विश्व बैंक समूह हो गया, UNDP हो गया आपका, आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यानी कि UNDRR हो गया आपका, आपदा प्रतिरोधी सोसाइटीज़ हेतु निजी क्षेत्र गठबंधन हो गया, जलवायु प्रतिरोधी निवेश हेतु गठबंधन हो गया, फिर यहाँ पे हो गया यूरोपीय संघ। ठीक है, अब लिखा है उल्लेखनीय है कि CDRI में 12 संस्थापक सदस्यों की बात करें यानी कि जब ये स्टार्ट होता था तो कौन कौन थे आपके? ऑस्ट्रेलिया, भूटान, फिजी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मालदीव, मैक्सिको, मंगोलिया, रवांडा, श्रीलंका एंड UK, ये थे कौन 12 संस्थापक सदस्य हैं। अब हम बात करें UAEFATF की ग्रे सूची में शामिल। ठीक है, आइए देखें क्या हुआ। तो इसमें लिखा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF, ठीक है, वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नज़र रखने वाली एक क्या है? संस्था है। कौन? FATF। ठीक है, तो इस गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम हेतु इस अंतर सरकारी निकाय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण किया जाता है। वर्ष 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल देशों की पहल पर FATF की स्थापना हुई। तो यहाँ पे लिखा है कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 2 से 4 मार्च 2022 के मध्य फ्रांस की राजधानी पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 6वीं पूर्व बैठक सम्पन्न हुई। तो इस बैठक में UAE को FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया जबकि जिम्बाब्वे ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया।
वहीं पाकिस्तान ग्रे सूची में बनाए रखने का निर्णय रखा गया, मतलब वो ग्रे में ही रहा, ग्रे में था, ग्रे में। वर्तमान में कुल जो है 23 देश जो है आपका ग्रे सूची में है। गौरतलब है कि 2018 से पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने में विफल रहने के कारण सूची में शामिल है। उल्लेखनीय है कि जो ये ग्रे लिस्ट है उसको आधिकारिक तौर पर तो गाइस आदि ज्यूरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग के नाम से जाना जाता है। तो इस सूची में शामिल देश FATF के साथ सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, जिससे उनकी शासन पद्धति में उपस्थित रणनीतिक कमियों को दूर किया जा सके और मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, वित्त पोषण एवं प्रसार आदि में सफलतापूर्वक निपट सके। ठीक है, ध्यात है कि इस सूची में शामिल किया जाना संबंधित देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि उसे भविष्य में ब्लैक सूची में शामिल किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि ब्लैक लिस्ट जो है उसको आधिकारिक रूप से हाई रिस्क ज्यूरिडिक्शन सब्जेक्ट टू अ कॉल फॉर एक्शन के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में ईरान और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया ब्लैक सूची में शामिल है। कौन? ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। फिर है रशिया यूक्रेन टकराव की बात कर लेते हैं। तो जो गाइस अभी आप देख रहे हैं फिलहाल प्रेजेंट में चल भी रहा है अभी, तो यूक्रेन ऐतिहासिक रूप से रशिया का हिस्सा रहा है। सोवियत संघ के पतन के बाद भी यूक्रेन में रूसी भाषा संस्कृति के लोग का प्रभाव रहा है, पर रूस और यूक्रेन टकराव का प्रमुख कारण शीत युद्ध के खत्म होने के बाद से यानी कि सोवियत संघ के पतन के बाद से यूरोपीय पूर्वी यूरोप के देशों और शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव में रहे देशों को नाटो में शामिल करने की कोशिश है। ठीक है, यानी कि नाटो की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसमें देखिए क्या है कि 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर अपना सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। कहीं से कहाँ की कब की कहानी, अभी मई चल रहा है राइट, और ये फरवरी से चल रहा है हिसाब किताब। फिर उल्लेखनीय है कि रूस ने यूक्रेन से के विरुद्ध जो है औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा नहीं की है। तो रूस ने इस सैन्य ऑपरेशन का लक्ष्य यूक्रेन का विसैन्यीकरण करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो वर्ष 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच जारी सैन्य टकराव में संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के मुताबिक 3,000 से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि तकरीबन 40 लाख लोगों ने पड़ोसी देश में शरण ली है। तो इसमें 90% महिलाएं और बच्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 65 लाख लोग यूक्रेन के भीतर विस्थापित हुए हैं। फिर रूस यूक्रेन टकराव के समय में विश्व का शक्ति संतुलन कुछ इस तरह है कि अमेरिका सहित पश्चिमी यूरोपीय देशों ने रूस पर व्यापार आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जबकि रूस के इस हमले का बेलारूस, सीरिया, म्यांमार एंड जो नॉर्थ कोरिया है ने खुलकर समर्थन किया है। तो गाइस ये अब आप नॉर्थ कोरिया को ही क्या बोलोगे, म्यांमार जरा सी कंट्री है, सीरिया में तो वैसे भी इसके हालात वैसे ही ख़राब हैं गाइस। जबकि क्यूबा एंड वेनेजुएला ने इस संकट के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराकर परोक्ष रूप से रूस का समर्थन किया है। तो इससे अलग कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि मध्य एशियाई देश हो गए। चीन, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका ने तटस्थ रहकर रूस की इस कार्रवाई को मौन समर्थन दिया। मतलब इन्होंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन हाँ ये तो सबको पता है कि रूस का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें भारत को भी कहा गया है। तो विश्व के शीर्ष 10 शक्तिशाली देशों की बात करते हैं। यूनाइटेड स्टेट न्यू एंड वर्ल्ड रिपोर्ट BAV ग्रुप एंड पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वार्टन स्कूल के द्वारा संयुक्त रूप से विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों की एक सूची तैयार की गई है। इसमें सैन्य गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, नेतृत्व जैसे मानदंडों के आधार पर देश की रैंकिंग की गई। तो इस सूची के अनुसार वर्ष 2021 के शीर्ष 10 शक्तिशाली देश की अगर हम बात करें तो USA हो गया, चाइना, रशिया, जर्मनी, UK, जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। भारत इस सूची पे 13वें नंबर पे है। 2020 में 20.93 ट्रिलियन डॉलर की GDP और 778 बिलियन डॉलर के सबसे बड़े सैन्य बजट के साथ USA विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। तो विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक संघ US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
इंडेक्स IIPI वर्ष 2012 से जारी किया जा रहा है। अब कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो फरवरी 2022 में UA चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 को जारी किया गया। तो भारत का स्थान 43। तो जो सूचकांक है, नवीनतम सूचकांक में विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। तो इसमें 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर 55 बौद्धिक संपदा अवसंरचना का मूल्यांकन किया गया। तो इसमें शीर्ष 5 देशों की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आपका USA, सेकंड नंबर पे है UK, थर्ड जर्मनी, फोर्थ स्वीडन और फिफ्थ है फ्रांस। फिर है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। सर्वप्रथम वर्ष 1995 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसका प्रकाशन वॉशिंगटन DC अमेरिका स्थित थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता का मापन 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में विभक्त 12 मात्रात्मक या गुणात्मक घटकों के आधार पर किया जाता है। कौन कौन से हैं गाइस देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है विधि का नियम, ठीक है। तो इसमें संपत्ति का अधिकार हो गया, सरकारी सत्यनिष्ठा हो गया, न्यायिक प्रभावशीलता हो गया। दूसरा है सरकार का आकार, तो सरकारी खर्च हो गया, कर का बोझ हो गया, राजकोषीय स्थिति हो गई। तीसरा आपका नियामक दक्षता, रेगुलेटरी एफिशिएंसी। तो इसमें आ जाता है व्यावसायिक स्वतंत्रता, श्रम स्वतंत्रता, मौद्रिक स्वतंत्रता। फिर है चौथा है खुला बाजार, ओपन मार्केट। तो इसमें है व्यापार स्वतंत्रता, निवेश स्वतंत्रता, वित्तीय स्वतंत्रता। आइए कुछ पॉइंट्स देख लें। तो 14 फरवरी 2022 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी हुआ है और ये सूचकांक का कौन सा संस्करण है, 28वां संस्करण है। तो इस सूचकांक के अंतर्गत जो है जुलाई 2020 से जून 2021 के दौरान विश्व के 184 देशों की आर्थिक नीति और स्थितियों की तुलनात्मक अध्ययन जो है प्रस्तुत किया गया है। कितने देशों का, इस 184 देशों का। तो 7 देशों की अगर बात करें तो सबसे अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर प्राप्त हुआ, यानी कि 80 या उससे ज़्यादा, ठीक है। उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। कौन कौन से देश, सिंगापुर हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड हो गया, लग्जमबर्ग, ताइवान और एस्टोनिया हो गया, ठीक है। अब उसमें लिखा 50 से 59.9 के मध्य की बात करें तो 57 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें डाला है, ठीक है। यानी ये है आपका प्रायः गैर स्वतंत्र की श्रेणी में, ठीक है। अब भारत हो गया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना जैसी मुख्य अर्थव्यवस्थाएं इसी श्रेणी में, भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये सब है। तो सूचकांक में सिंगापुर को विश्व के सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया है। सिंगापुर कहाँ पे है, यूरोप में गाइस। फिर इसमें लिखा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में अगर हम भारत का स्थान देखें तो वो है 184 में से 131, राइट। कितने देशों की सूची चल रही है, 184, भारत 131। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक वैश्विक स्तर पर विश्व के विभिन्न देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तरों की तुलनात्मक आकलन हेतु एक महत्वपूर्ण मानक है जो संबंधित देश के भीतर और बाहर उद्यमियों विश्लेषकों से प्रश्न पूछकर सर्वेक्षण विधि द्वारा तैयार किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है द्वारा 1995 से प्रतिवर्ष जो ये आपका है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जा रहा है, CPI बोलते हैं इसको, करप्शन, ठीक है। अब इसमें लिखा है कुछ तथ्य। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 25 जनवरी 2022 को 27वां वार्षिक जो ये सूचकांक है उसको जारी किया गया। इसमें कुल कितने देशों को रैंक दी गई है, 180 देशों को। रैंक जो है आपका मतलब अंक जो है 0 से 1 तक दिया गया है। अगर 0 है तो सर्वाधिक भ्रष्ट होगा, 100 है तो सर्वाधिक ईमानदार होगा। तो इसमें किसी भी देश को पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त होने जैसा स्कोर नहीं मिला है। कोई भी देश का जो स्कोर है 100 नहीं है, ठीक है। तो सूचकांक में शामिल देशों का औसत स्कोर कितना, 43 है, जबकि क्षेत्रीय आधार पर पश्चिमी यूरोप और यूरोपियन यूनियन औसतन 66 के स्कोर के साथ शीर्ष पर है। तो उप सहारा अफ्रीका जो है आपका 33 के औसतन स्कोर के संग लोएस्ट पर है, सबसे नीचे है। तो इस सूचकांक में डेनमार्क, फिनलैंड एंड जो आपका है न्यूजीलैंड 88 अंक के साथ संयुक्त रूप से फर्स्ट नंबर पे है, डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड।
लिखा है सूचकांक में 11 अंक प्राप्त है। दक्षिणी सूडान जो है सबसे नीचे 180वें स्थान पर है, और अगर यहीं पे हम भारत को मालदीव के साथ जो है संयुक्त रूप से 85वां स्थान मिला है, और ये इनका जो स्कोर है दोनों का 40 है। फिर लिखा है दुर्गा पूजा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। तो ये लिखा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति की 16वीं वार्षिक बैठक 13 से 18 दिसंबर 2021 के मध्य पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हुई। तो इस बैठक के दौरान कुल 47 नई विरासतों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। तो इस प्रकार यह अब तक यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूचियों में 140 देशों की कुल 630 विरासतों को शामिल किया गया है। कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो इसमें लिखा वार्षिक बैठक के दौरान कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। तो दुर्गा पूजा भारत की 14वीं ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के प्रतिनिधि सूची में शामिल जो भारतीय परंपराएं हैं उसकी बात करते हैं, तो जैसे है रामलीला, ठीक है, रामायण की परंपरागत प्रस्तुति, उसे कब शामिल किया गया, 2008 में। वैदिक मंत्रोच्चार्य की परंपरा को 2008 में। कट्टियतम सांस्कृतिक नाट्यकला को भी कब 2008 में सम्मिलित किया गया। फिर है रम्मन, गढ़वाल हिमालय की धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच 2009 में। फिर है मुडियेट्टू, केरल का क्या है, अनुष्ठानिक रंगमंच एवं नृत्य नाटक कब हुआ है, 2010। फिर है काल बेलिया, राजस्थान का लोकगीत एवं नृत्य 2010। छऊ नृत्य, पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य जो झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, वो 2010 में हो। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चारण, ट्रांस हिमालय लद्दाख क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ 2012 में। फिर है संकीर्तन, मणिपुर का अनुष्ठानित गायन, ढोल वादन एवं नृत्य 2013 में। पंजाब के जंडियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल एवं तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला 2014 में। योग 2016 में। नवरोज यानी कि नव वर्ष के उत्सव का आयोजन 2016 में शामिल हुआ। फिर कुंभ मेला 2017 में हुआ है। इस कोलकाता की दुर्गा पूजा जो कि अभी लेटेस्ट है 2021 में। अब लिखा है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021, तो वर्ष 1923 में स्थापित टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 1927 में प्रतिवर्ष पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव किया जाता है। तो 1927 में पहला पर्सन ऑफ द ईयर, तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में मैन ऑफ द ईयर कौन, चार्ल्स लिंडबर्ग को चुना गया। इस पत्रिका के संपादकों द्वारा किसी वर्ष के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति, समूह या विचार का चयन किया जाता है जिसने पूरे वर्ष के दौरान विश्व को सकारात्मक रूप से सर्वाधिक प्रभावित किया हो। तो भारत की तरफ से महात्मा गांधी पहले व एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें वर्ष 1930 में टाइम्स पत्रिका ने पर्सन ऑफ ईयर चुना था। हालांकि 2014 और 2016 के टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन रिसर्च पोल का विजेता भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया है। तो चलिए कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 13 दिसंबर 2021 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स द्वारा 2021 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई है। तो 2021 में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन, एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। मस्क अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी यानी कि स्पेसएक्स के संस्थापक हैं और सीईओ भी हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त वे विद्युत वाहन क्षेत्र से संबद्ध अमेरिकी कंपनी टेस्ला इंक के भी सीईओ हैं। तो एलन मस्क के पास तीन देशों कौन कौन से, साउथ अफ्रीका, अमेरिका और कैनेडा की नागरिकता है, ठीक है। विदित हो कि यहाँ के फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2021 में एलन मस्क को $300 बिलियन संपत्ति वाला विश्व का पहला व्यक्ति घोषित किया था। उल्लेखनीय है कि
वर्ष 2021 में टेस्ला ने $1 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण प्राप्त किया है, जिससे मस्क जो है सर्वकालिक सबसे अमीर व्यक्ति है। तो टाइम्स पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के साथ साथ अन्य प्रमुख श्रेणियों में विश्व को प्रभावित करने वाले विजेताओं की घोषणा की गई है। जैसे आपका हीरोज ऑफ द ईयर की अगर बात करें तो वैक्सीन वैज्ञानिक क्या नाम है, मिरेकल वर्कर्स के नाम से अभिहित, ठीक है। फिर इसमें है एंटरटेनर ऑफ द ईयर कौन है आपका, ओलिविया रोड्रिगो, अमेरिकी गायक हैं, गायिका हैं सॉरी। फिर है एथलीट ऑफ द ईयर, ये है सिमोन बाइल्स, तो ये अमेरिकी जिमनास्ट हैं। आगे देख लेते हैं और भी, तो इसमें लिखा है वैसे और हाँ, तो इसमें लिखा है वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। 2021 की बात करें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2021 हेतु जो आपका है वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। बोलचाल की भाषा में वैक्सीन या वैक्सीनेशन के संदर्भ में इसे मतलब वैक्स यानी वैक्सीन से कैसे कह सकते हैं या वैक्सीनेशन से कह सकते हैं, तो मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। कोलिंस डिक्शनरी द्वारा NFT को वर्ड ऑफ द ईयर, एंड NFT का पूर्ण रूप क्या है आपका, नॉन फंगेबल टोकन, ठीक है। तो इसमें लिखा है कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा परसवेरेंस वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। चलिए वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 की बात करते हैं। तो वैसे ये सूचकांक वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक पहला ऐसा साधन है जो विश्व के 195 देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा एंड संबंध क्षमताओं का व्यापक आकलन प्रस्तुत करता है। सूचकांक में शामिल 195 देश अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय IHR 2005 के पक्षकार हैं। तो लिखा है 8 दिसंबर 2021 को वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का द्वितीय संस्करण है। तो इस सूचकांक का विकास जो है न्यूक्लियर थ्रेड इनिशिएटिव एवं जॉन हॉपकिंस सेंटर ऑफ हेल्थ सिक्योरिटीज एट द ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के सहयोग से किया। तो ये सूचकांक 6 श्रेणियों में विभक्त 37 संकेतकों, 96 उप संकेतकों, 171 प्रश्नों के आधार पर 195 देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी क्षमताओं का आकलन करता है। तो सूचकांक में शामिल 6 श्रेणियों की बात करें तो रोकथाम हो गया, पहचान एवं रिपोर्टिंग हो गया, त्वरित प्रतिक्रिया हो गई, स्वास्थ्य प्रणाली हो गई, फिर अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन हो गया, जोखिम पूर्ण पर्यावरण हो गया। यहाँ लिखा है सूचकांक में शीर्ष 5 देश, तो फर्स्ट नंबर USA, सेकंड नंबर ऑस्ट्रेलिया, थर्ड नंबर फिनलैंड, फोर्थ नंबर कनाडा एंड फिफ्थ नंबर पे था थाईलैंड। 2019 का भी इनका रैंक दे रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। अब लिखा है सूचकांक में निम्नवत रैंक वाले 5 देश, तो 195 पे सोमालिया, 193 यमन, 193 उत्तर कोरिया, 192 पे है सीरिया, 191 पे है इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है। 2019 का भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो भारत सूचकांक में 66वें स्थान पे है, स्कोर है भारत का 42.8। दक्षिण एशियाई देशों में भारत स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। तो विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की बात करते हैं, तो यहाँ लिखा है 7 दिसंबर 2021 को फोर्ब्स पत्रिका ने विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2021 जारी की है। तो इस वार्षिक सूची में विभिन्न क्षेत्रों से 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं को शामिल किया गया है। तो ये इसका कौन सा संस्करण है, 18वां संस्करण है, ठीक है। इसमें लिखा है अमेज़न के संस्थापक कौन, जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी क्या नाम है, मैकेंजी स्टॉक ने सूची में फर्स्ट नंबर पे हैं, ठीक है। तो इस सूची में 18 वर्ष के इतिहास में यह मात्र तीसरा अवसर है जब जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के प्रथम स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दूसरे और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्या नाम है, क्रिस्टीन लेगार्ड सूची में तीसरे नंबर पर है। तो नेक्स्ट आपका है कि सूची के अनुसार सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में टेलर स्विफ्ट कहाँ की, USA की, सबसे युवा 32 वर्ष की हैं, और क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय UK की सबसे उम्रदराज 95 वर्ष की हैं, वो भी इसमें शामिल। तो इस वर्ष की सूची में 4 भारतीय महिलाओं ने भी जगह बनाई है। तो भारतीय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सूची में कौन से स्थान पर है? 37th इस वर्ष की सूची में HCL की CEO रोशनी नाडर मल्होत्रा जो है 52nd वे स्थान पर है। बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शॉ जो है आपकी 72वें स्थान पे हैं। फैशन उत्पाद के क्षेत्र में ई कॉमर्स कंपनी नायका की जो संस्थापक हैं उनका नाम है फाल्गुनी नायर, 88वें स्थान पर हैं। तो चार लोग तो हैं, चार महिलाएं हैं इस सृष्टि में भारत की। अब लिखा है मिस्टर न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना वर्ष 2015 में ब्रिक्स देश यानी कि ब्राज़ील, भारत, रशिया, चीन एंड दक्षिण कोरिया द्वारा की गई। तो बैंक का उद्देश्य ब्रिक्स एवं अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं या विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजना हेतु वित्तीय मदद करना था। NDB की अधिकृत पूंजी कितनी है आपकी? $100 बिलियन है। तो दिसंबर 2021 में मिश्र को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। भारत द्वारा भी मिस्र का न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में स्वागत किया गया। तो इस बैंक की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों हेतु खुली है। ज्ञातव्य है कि सितंबर 2021 में बैंक द्वारा अपने सदस्यों के विस्तार की प्रक्रिया शुरू की गई। तो इसके तहत बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे NDB के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए। तो NDB में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य है। फिर है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021 EIU दिसंबर 2021 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021 जारी की गई। तो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग एक अर्धवार्षिक सर्वेक्षण है जो EIU द्वारा संचालित किया जाता है। तो इस रिपोर्ट में क्या है, इस रिपोर्ट के आधार पर 173 शहरों को रैंक प्रदान की गई है। तो रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर को कीमतों के लिए आधार शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। EIU के सर्वेक्षण के अनुसार तेल अवीव इज़राइल विश्व में रहने वाले सबसे महंगे शहर है इज़राइल का, ठीक है। अब इसके बाद सबसे महंगा शहर की रैंकिंग में पेरिस, फ्रांस और सिंगापुर का संयुक्त रूप से दूसरा स्थान है। दमिश्क सीरिया की राजधानी जो है, तो विश्व में रहने वाले सबसे सस्ता शहर दमिश्क। अहमदाबाद गुजरात को सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों में सूचीबद्ध किया गया है। तो 173 शहरों की रैंकिंग में अहमदाबाद कितने 167वें रैंक पे है। तो 10 सबसे महंगे शहरों की बात करते हैं तो तेल अवीव इज़राइल सबसे महंगा, सेकंड नंबर पेरिस फ्रांस, सेकंड नंबर पे सिंगापुर भी है, फोर्थ नंबर पे देखिए थर्ड नंबर, तो इसका मतलब ये दोनों एक पे हैं इसलिए थर्ड नंबर गायब। फिर ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड फोर्थ नंबर पे है, हांगकांग चाइना, फिर आपका फिफ्थ नंबर पे है आपका न्यूयॉर्क जो है USA में, सिक्स नंबर पे है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, सेवन्थ नंबर कोपेनहेगन डेनमार्क, एट्थ नंबर लॉस एंजलिस USA, नाइन्थ नंबर ओसाका जापान का, आपका टेंथ नंबर पे। तो हांगकांग चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है, ठीक है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021, तो दिसंबर 2021 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 जारी की गई। इस रैंकिंग के तहत किसी देश के अपनी घरेलू प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का मूल्यांकन किया जाता है। तो साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को देश में रोक कर रखने की क्षमता का आकलन भी किया जाता है। तो IMD ने विश्व प्रतिभा रैंकिंग को 3 कारणों के आधार पर तैयार किया है। पहला निवेश और विकास, दूसरा है तत्परता, तीसरा है अपील। तो इन 3 कारकों में क्या है, 31 मानदंड यानी कि क्राइटेरिया शामिल है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में प्रति व्यक्ति माध्यम एवं उच्च आय वाली 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। वर्ष 2017 से वर्ष 2021 के मध्य रैंकिंग की प्रवृत्ति के विश्लेषण के ज्ञान से ज्ञात हुआ है कि मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय देश विश्व में सबसे अधिक प्रतिभाशाली प्रतिस्पर्धी बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर रैंक देखते हैं गाइस, 2021 की भी है, 2020 की, हम लोग 2021 की देखते हैं, आप 2020 की देखिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर स्विट्ज़रलैंड, सेकंड स्वीडन, थर्ड लग्जमबर्ग, फोर्थ
नॉर्वे एंड फिफ्थ पे है डेनमार्क। और अंतिम पांच देशों की बात करते हैं तो 64 पे है वेनेजुएला, 63 साउथ अफ्रीका, 62 पेरू, 61 आपका है मंगोलिया एंड आपका 60 जो है आपका ब्राज़ील का है। अब लिखा है सूची में शामिल 64 देशों में भारत की बात करें तो 56 नंबर पे आता है भारत। ठीक है, अब यह बारबाडोस विश्व का नवीनतम गण राज्य बन गया। बारबाडोस दक्षिण पूर्व कैरिबियन सागर में स्थित एक छोटा द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी कौन सी है? ब्रिज टाउन है। इसके उत्तर में सेंट लूसिया, पश्चिम में सेंट विसेंट एंड द ग्रेनाडाइन्स और दक्षिण में आपका त्रिनिदाद एवं टोबैगो स्थित है। बारबाडोस 1625 में एक ब्रिटिश उपनिवेश था। 30 नवंबर 1966 को बारबाडोस को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ध्यात है कि ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद वर्ष 1966 में यह राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ का सदस्य बन गया। बारबाडोस कैरिबियन समुदाय का अंग है जिसका गठन 1973 में किया गया। स्मरणीय तथ्यों की बात करें तो 30 नवंबर 2021 को बारबाडोस विश्व का नवीनतम गणराज्य बन गया। इसके साथ ही यह 396 वर्षों के ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो गई। ठीक है, अब आधिकारिक तौर पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय बारबाडोस की राष्ट्र प्रमुख नहीं होंगी, हालांकि यह देश राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा। 30 नवंबर 2021 को ही सैंड्रा मेसन ने बारबाडोस की प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति बनने से पहले सैंड्रा बारबाडोस की अंतिम गवर्नर जनरल तथा देश में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थी। तो वर्ष 1992 में मॉरिशस के बाद गणराज्य बनने वाला बारबाडोस पहला पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश है। उल्लेखनीय है कि बारबाडोस के पड़ोसी कैरिबियाई द्वीप देश यथा गुयाना वर्ष 1970 त्रिनिदाद एवं टोबैगो वर्ष 1976 और डोमिनिका वर्ष 1978 में गण राज्य बने थे। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021। तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक निम्नलिखित चार कारकों के आधार पर देश को अंक प्रदान करता है। सरकार के साथ व्यापारिक बातचीत, सरकार और सिविल सेवा में पारदर्शिता, रिश्वत प्रतिरोध तंत्र और उसका प्रवर्तन, मीडिया की भूमिका सहित नागरिक समाज की निगरानी हेतु सक्षमता। देश को 1 से 100 के बीच अंक प्रदान किए जाते हैं। 1 सबसे कम जोखिम और 100 उच्चतम जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है। अब लिखा है 17 नवंबर 2021 को वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक को रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन TRACETRACE द्वारा जारी किया गया। सूचकांक में 194 देश हैं। तो जो 5 शीर्ष पे हैं वो है आपका डेनमार्क पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे नॉर्वे, तीसरे नंबर पे स्वीडन, फोर्थ नंबर फिनलैंड का है, फिफ्थ नंबर न्यूजीलैंड का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है नेक्स्ट की ब्रिक्स देशों की स्थिति भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो 91 पे ब्राज़ील है, 134 पे रशिया, 82 पे भारत, 135 पे आपका है चाइना एंड इसमें लिखा है 59 पे है साउथ अफ्रीका। चलिए अब यहाँ पे लिखा है लेगटम समृद्धि सूचकांक 2021। विश्व के विभिन्न देशों में समृद्धि के स्तरों की तुलना हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लेगटम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष लेगटम समृद्धि सूचकांक जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि लेगटम इंस्टीट्यूट लंदन स्थित लेगटम कंपनी समूह के अंतर्गत एक स्वतंत्र संगठन है जो वैश्विक समृद्धि और मानव स्वतंत्रता के विस्तार को बढ़ावा देता है। हाल ही में लेगटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगटम समृद्धि सूचकांक 2021 जारी किया गया। ये इसका 15वां संस्करण है। सूचकांक में 7 क्षेत्रों के जो है 167 देशों को रैंक दी गई। 167 देश विश्व की 99.4% आबादी को समाहित करते हैं। तो समृद्धि सूचकांक 3 कार्य क्षेत्रों, 12 स्तंभों, 67 तत्वों, 300 संकेतकों पर आधारित है।
2021 के विश्व समृद्धि सूचकांक में डेनमार्क जो है फर्स्ट नंबर पे है। आई पांच देश टॉप के देख लेते हैं, तो फर्स्ट नंबर डेनमार्क, सेकंड नॉर्वे, थर्ड नंबर पे स्वीडन, फोर्थ नंबर पे फिनलैंड एंड फिफ्थ नंबर पे है स्विट्जरलैंड। तो लैगटम समृद्धि सूचकांक 2021, भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में शामिल है और इसे रैंकिंग में जो है 101वां स्थान दिया गया, जबकि वर्ष 2020 में इसका स्थान क्या था, 103वां। तो सूचकांक के अनुसार 2021 में उत्तरी अमेरिका विश्व का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र है। फिर यहाँ पे लिखा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022। तो इसमें लिखा है CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है। यह विभिन्न देशों की जलवायु संरक्षण संबंधी प्रयासों का नात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से वर्ष 2005 से किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत 60 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण में प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। ध्यात है कि यूरोपियन यूनियन तथा 60 अन्य देश संयुक्त रूप से संपूर्ण विश्व के लगभग 92% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। तो 9 नवंबर 2021 को जो है आपका COP26 के दौरान जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से CCPI जारी किया गया। तो ये इसका 17वां संस्करण है और 14 संकेतकों में देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया गया है इसको, और चार श्रेणियों 14 संकेतकों में। तो चार श्रेणियां कौन कौन सी हैं, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कुल स्कोर का जो है 40%, नवीकरणीय ऊर्जा कुल स्कोर का 20%, ऊर्जा उपयोग कुल स्कोर का 20%, जलवायु नीति कुल स्कोर का 20%। तो टोटल हो गए 100। ठीक है, अब CCPI 2022 में शीर्ष तीन स्थानों में कोई भी देश जो है अपना स्थान नहीं बना पाया। तो शीर्ष तीन स्थानों पर किसी भी देश को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु पर जो है पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। इसलिए कोई भी देश वैश्विक तापमान के 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है। अतः किसी भी देश को अत्यधिक उच्च यानी कि वेरी हाई रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है। तो डेनमार्क ने CCPI 2022 में सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में जो है चौथा स्थान यानी कि इसकी जो स्कोर है वो है आपका 76.67 हासिल किया। कजाकिस्तान जो है सबसे लास्ट रैंक मिली है उसको कितनी, 64। तो इसमें जो भारत की रैंक की बात करें तो वो भारत जो है 2022 वाले में 10वीं रैंक पर है। ठीक है, और 2020 में जो भारत की रैंक थी वो थी 9th और 2021 में वो 10वें पे आ गया। तो शीर्ष देशों की बात करते हैं तो 4th पे है डेनमार्क, 5th पे है स्वीडन, 6th नॉर्वे, 7th UK और 8th पे है मोरक्को और 9th पे आपका है चिली, देन 10th पे है भारत। इसमें एक और अब यहाँ पे लिखा है वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक 2021। तो वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक एक अद्वितीय उपकरण है जो प्रत्येक देश की राष्ट्रीय स्तर की औषधि नीतियों का दस्तावेजीकरण मापन तुलनात्मक अध्ययन करता है। मानवाधिकारों स्वास्थ्य एवं विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के अनुरूप देश की औषधि नीतियों एवं उसके कार्यान्वयन के आधार पर देश को रैंक प्रदान की जा रही है। तो यहाँ पे लिखा है 8 नवंबर 2021 को हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक 2021 जारी किया गया। तो 5 आयामों में विस्तृत 75 नीतिगत संकेतकों के आधार पर इस सूचकांक का क्या है निर्माण किया गया। तो यह सूचकांक विश्व के लगभग सभी क्षेत्रों में फैले हुए 30 देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। तो इस रैंकिंग में शीर्ष 5 देश क्रमशः कौन कौन से हैं, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। विदित हो कि इस सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी है, 30 देशों में 18वां स्थान है भारत का। तो वैसे वीडियो हो गई है काफ़ी बड़ी, चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब बाकी का पार्ट आगे की वीडियो में लाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, एंड शेयर जरूर करिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है, चलिए
इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे।